Hello everyone, today we have discussed about rank correlations method. In this method, we have discussed about two topics. First, when observations are not repeated, जब आपको observations जो value होती है वो आपकी बार बार repeat नहीं होती है, तब आपका formula आएगा students, R is equal to 1 minus 6 sigma d square upon n, n square minus 1, जहां पे where d is equal to rx minus ry, d means होता है student difference, ठीक है, तो rx में से ry आपको क्या करना है, minus करना है, rx means होता है rank of variable x and ry means होता है rank of variable y, ठीक है, अब हमारा second जो है, उसमें क्या देखना है आपको, कि when observation are repeated, या means कोई भी जो value है आपकी, वो बार बार आपकी repeat हो रही है, भले 3 times हो, 4 times हो, ओके, सो आपका फॉर्मूला वहां पे क्या यूज होगा स्टूडेंट्स, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट में 6 सिग्मा d स्क्वायर प्लस cf अपॉन n ब्रैकेट में n माइनस 1, जहां पे वेयर d इज इक्वल टू rx माइनस ry, सो rx की वैल्यू तो आपको पता चल गई, rx का मींस होगा रैंक ऑफ वेरिएबल x एंड ry का होगा रैंक ऑफ वेरिएबल y, ठीक है, अब cf का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स करेक्शन फैक्टर, क्या स्टूडेंट नाम होता है इसका करेक्शन फैक्टर, जिसे हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, सिग्मा ब्रैकेट में m की पावर 3 माइनस m अपॉन 12 ब्रैकेट क्लोज है, m मींस होता है नंबर ऑफ रिपीटेशंस ऑफ ए ऑब्जर्वेशन, मींस कोई भी जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार रिपीट होते हैं इसे हमें देखना है। चलिए इसके सम्स स्टार्ट करते हैं, दोनों मेथड्स के मींस दोनों किस तरीके से रिपीटेड एंड अनरिपीटेड जो वाले सम्स हैं देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन फर्स्ट है आपको, यहाँ पे फाइंड द रैंक कोरिलेशंस कोएफिशिएंट्स बिटवीन द इवैल्यूएशंस गिवन बाय टू एनालिस्ट, यहाँ पे आपको देखिए कंपनी एंड रैंक बाय एनालिस्ट 1 एंड रैंक बाय एनालिस्ट 2 प्रोवाइड कर दिया गया है। स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन में आपको रैंक जो होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें रैंक ही फाइंड करना है रैंक कोरिलेशंस, बट यहाँ पे आपको रैंक ऑलरेडी दिए गए हैं तो आपको ओनली कोरिलेशंस ही फाइंड करना होगा, लेकिन कुछ सम्स में आप लोगों को स्टूडेंट्स रैंक भी फाइंड करना होगा, वो हम नेक्स्ट सम्स में समझेंगे, यहाँ पे आपको रैंक ऑलरेडी दे दिए गए हैं। चलिए कंपनी प्रोवाइड कर दिए लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें रैंक 1 यानी आर एक्स इसे बोलते हैं और आर वाई रैंक 2 को कहेंगे, लिख लेंगे फटाफट 6 4 3 2 1 एंड 5, ठीक है, यहाँ पे आपका डेस रहेगा स्टूडेंट्स। अब हमें यहाँ क्या करना है स्टूडेंट्स, देखना है कि डी निकालना है, तो जिस डी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आर एक्स माइनस आर वाई, तो 5 में से 6 जाएगा स्टूडेंट्स, आपका माइनस का 1 बचेगा, 2 माइनस 4 तो माइनस का 2, 1 माइनस 3 वी गेट माइनस 2, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 5 सो 1, यहाँ का आप टोटल करोगे तो आपका टोटल आएगा स्टूडेंट्स 0, कैसे 1 2 3 3 2 5 5 में से 5 गया 0, डी स्क्वायर निकालना है, मीन्स यहाँ पे देखिए जो डी है उसी का स्क्वायर निकालना है, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 2 का 4, मैंने आपको कहा था ऑलवेज जो स्क्वायर होंगे वो पॉजिटिव आते हैं, तो 2 का भी आपका 4, 2 का 4 4 एंड 1, यहाँ का टोटल आप करोगे तो आएगा सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला यूज कर लेना है, ठीक है, तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1, चलिए सो 1 6 यहां राइट कर दीजिए, 6 सिग्मा डी स्क्वायर आपको दिया हुआ है 18, तो यहां 18 लिख दीजिए, एन एन आपको स्टूडेंट्स कितना दिया गया है तो देखिए काउंट कर सकते हो आप 6 ये, ठीक है, तो 6, ठीक है, ब्रैकेट में एन मीन्स 6 का स्क्वायर माइनस 1, अब 1 माइनस 6 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे 108 आ गया, उसके बाद 6 ब्रैकेट में 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1, तो आपका कितना हो गया स्टूडेंट 35,
यहां तक समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, वन का वन यहाँ पे 108 अपॉन में 6 × 35, ठीक है, 6 × 35 करोगे तो आपका आएगा 2110। तो आप चाहो तो 108 को 210 से डिवाइड कर दीजिए और उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो करोगे 108 / 210 तो आप लोगों का स्टूडेंट्स आएगा 0.51, ठीक है, 1 में से 0.51 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 0.59। ये आप लोगों का इसका आंसर स्टूडेंट्स आ गया है, समझ में आया आप लोगों को। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 है, मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट सम जो आएगा आपका उसमें हमें रैंक फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिटी दे दिया गया है, पॉपुलेशन दिए एंड रेट ऑफ ग्रोथ दिया, मीन्स आपको आरएक्स और आरवाई आपको क्या करना है स्टूडेंट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्स और वाई दे दिया गया है तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स है और ये आपका स्टूडेंट्स यहाँ लिख ले रहा हूं मैं वाई है, ध्यान रखना। सिटी में आपको यहाँ पे ए बी सी डी और ई तक प्रोवाइड कर दिया है। अब हमें पॉपुलेशन जो दिए वो है 57, 45, 14, 18 एंड 8 एंड रेट ऑफ ग्रोथ आपका दिया है स्टूडेंट्स 13, 20, 10, 15 एंड 5, ओके यहां तक समझ में आया स्टूडेंट। अब हमें रैंक देना है। अब रैंक कैसे देंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हमें देखना है एक्स में सबसे हाईएस्ट डिजिट कौन सी है, तो 57, तो 57 के आगे हमें लिखना है 1। उससे स्मॉलेस्ट डिजिट देखिए कौन सी है, तो 45, तो उसमें हमें लिखना है 2। उससे स्मॉलेस्ट डिजिट आपकी क्या है स्टूडेंट्स 18, तो वहां पे हमें लिखना है 3। उससे स्मॉलेस्ट डिजिट आपकी है स्टूडेंट्स 14, तो वहां पे 4 और सबसे स्मॉलेस्ट है आपकी 8, तो वहां पे हम लिखेंगे 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद आर वाई में भी हमें देखना है सबसे हाईएस्ट डिजिट आपकी कौन सी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 20 है तो 20 के यहाँ पे यहाँ पे आपको लिखना है 1। उससे स्मॉलेस्ट डिजिट है आपकी 15, तो वहां हम राइट करेंगे 2। उससे स्मॉलेस्ट डिजिट आपकी स्टूडेंट्स कितनी है देखिए फटाफट 13 है तो 3। उससे स्मॉलेस्ट 10, 4 और लास्ट आपकी स्टूडेंट्स 5, तो उससे स्मॉलेस्ट डिजिट 5 है, ठीक है। अब तो सिंपल सम बन गया, जिसे हम लोगों ने फर्स्ट सम देखा, हमें डी निकालना है, मीन्स आर एक्स में से आर वाई माइनस जाएगा तो माइनस का 2, ठीक है, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 4 0, 3 में से 2 गया 1 एंड 5 में से 5 गया 0 एंड डी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 एंड 0 का 0, ठीक है, टोटल कर लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल देखेंगे फटाफट। देखिए यहां तो हमें टोटल लिखना है, यहाँ पे एन की जो वैल्यू है आपकी कितनी है स्टूडेंट्स 5, ठीक है, यहाँ पर तो आपको टोटल करना नहीं है, टोटल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी, ठीक है। तो टोटल करना है किसका हमें डी का, तो डी आपकी जो वैल्यू है वो आपकी 0 आ गई, माइनस 2 में से 2 गया 0, इसका टोटल किया स्टूडेंट्स तो हमारा कितना आ गया 415, 516, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लगा देना है, इजी है। तो रैंक कोरिलेशंस कोफिशियंट, कोरिलेशंस कोफिशियंट्स, ठीक है, लिख लेना आप इतना। आगे आर इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, फॉर्मूला ये स्टूडेंट्स याद रखना आपको, भूलना नहीं है, अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, चलिए 1 6 लिख दीजिए, सिग्मा डी स्क्वायर आपको दिया हुआ है 6, तो 6 से इसका मल्टीप्लाई, एन की वैल्यू है आपकी 5, 5 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो 1 − 6 = 36, 5 का 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 गया 24, ठीक है। अब 1 36 जी 5 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पे 120, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे कि 36 / 120 करोगे तो आपका आएगा 0.3, ठीक है, तो माइनस किया 1 में से 0.3 तो आंसर आएगा 0.3,
सेवन। समझ में आया किस प्रकार से हम लोगों ने रैंक भी फाइंड करना सीख लिया। लेकिन यहाँ हमारा रिपीट नहीं आ रहा है, कोई भी डिजिट देखिए यहाँ पे रिपीट नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया। अब नेक्स्ट सम्स में हम देखेंगे कि डिजिट जब रिपीट होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन फाइव आपका है, फाइंड रैंक कॉरिलेशंस कोएफिशिएंट्स बिटवीन देयर हाइट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको हाइट ऑफ हस्बैंड्स दी गई है एंड हाइट्स ऑफ वाइफ दी गई है, तो यहाँ पर भी आपको रैंक जो है फाइंड करना है आपको, क्योंकि एक्स एंड वाई दे दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है 156, 153, 185, 157, 163, 191, लास्ट आपका है 162, ये आपको दिया गया है स्टूडेंट्स। और उसके बाद वाई आपको है, मीन्स वाइफ जो दी गई है 154, 148, 162, उसके बाद 157, 162, 170 एंड लास्ट आपको दिया है 154, यहाँ तक आपको दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम टोटल करेंगे, एन जो है आपको 7 हो गया स्टूडेंट, टोटल काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। आरएक्स फाइंड करना है, रैंक देना है, मींस मैंने आपको कहा था रैंक कैसे दिया जाता है स्टूडेंट, तो विच इज द हाईएस्ट वैल्यू। सो यहाँ पे आपकी हाईएस्ट जो वैल्यू है आपकी 191 है, तो यहाँ पर हम देंगे स्टूडेंट्स 1, उससे हाईएस्ट वैल्यू आपकी कहाँ है स्टूडेंट्स देखिए जरा ध्यान से, 185, तो 185 के यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। उसके हाईएस्ट वैल्यू आपकी कितनी है स्टूडेंट्स देखिए फटाफट, 163, तो यहाँ पे 3 हो गया आपका, उसके बाद आपका 162 मीन्स 4, ठीक है, उसके बाद आपको दिया है 157, 5, उससे स्मॉलेस्ट डिजिट आपकी देखिए कितनी है, ठीक है, उससे छोटी 56 है आपकी, तो वहाँ पे आपका आ जाएगा 6 और लास्ट में आपका आ जाएगा 7, यहाँ पे हमने रैंक उसको दे दिया है। अब आर वाई हमें फाइंड करना है, उसमें भी रैंक देना है। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर तो आपकी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं थी, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपकी एक वैल्यू है जिसका नाम है 154, वो रिपीट हुई है, देखिए हुई है कि नहीं हुई स्टूडेंट्स, देखिए 154 जो है आपकी यहाँ पे रिपीट हुई है, और उसके बाद भी देखिए 162 भी 2 टाइम्स रिपीट हुई है। तो सबसे पहले हमें यहाँ करना क्या है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे देख लेनी है, तो 170 आपकी यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे मैंने 1 राइट कर दिया। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो वैल्यू है देखिए, सेकंड नंबर की वैल्यू कौन सी है आप जरा ध्यान से देखिए उसको फटाफट, 170 से स्मॉलेस्ट डिजिट आपकी है 162, बट 162 जो है आपकी वो 2 टाइम्स है। अब यहाँ देखिए 2 टाइम्स हो गई तो प्रॉब्लम इशू हो जाएगा आपको, आप बोलोगे सर 2 टाइम्स हम तो रैंक किस प्रकार से उससे दे, तो आपको रैंक किस तरीके से देना है वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जब कोई भी डिजिट 2 टाइम्स आती है, ठीक है, कितने टाइम्स आती है 2 टाइम्स आती है, तो हमें उससे क्या कर देना है, उसका हाफ कर देना है। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि सेकंड नंबर पे कोई भी डिजिट नहीं आई है, ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका आ गया स्टूडेंट्स 162 और थर्ड पे आया आपका 162, ये दोनों टाइम पे आपको 162 आया, तो आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों का 0.5 कम कर देना है। ठीक है, मीन्स 162 भी 2 टाइम्स है और 162 दोनों मिला के 2 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, तो हमें क्या करना है, ये फर्स्ट नंबर तो आ गया, सेकंड नंबर भी होगा और थर्ड नंबर भी, लेकिन दोनों को देना है तो 2.5 हम राइट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पर, 162 के यहाँ पे 2.5 यहाँ पे राइट करेंगे और यहाँ पर भी 2.5। अब हमारा यहाँ पर टोटल 3 तक कवर हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ तक कवर हो गया है, 3 तक, क्यों, क्योंकि दोनों डिजिट को मिला रहे हैं, क्योंकि 2 टाइम आई है लेकिन हमको मिड का 2.5 राइट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा स्टूडेंट्स क्या दिया गया है, देखिए उससे स्मॉलेस्ट डिजिट आपकी 157 है, तो वो तो 1 टाइम है, तो हम डायरेक्ट वहां ऐड कर देंगे 4। चलिए उसके बाद भी देखिए कि कौन सी डिजिट है, तो आपकी डिजिट आप देख रहे हो 154 जो कि आपके 2 टाइम्स आई है, तो देखिए 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, लेकिन 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा आपका 5.5। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा स्टूडेंट्स तो कैसे करना है मैं आपको अब समझा देता हूं। जैसे 154 आपके कौन से रैंक पे आया, 5 नंबर पे, और 154 6 रैंक पे एंड 2 टाइम्स आया, तो देखिए 5 नंबर का रैंक, ठीक है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं, देखिए 5 रैंक का रैंक और 6 नंबर का रैंक, दोनों रैंक को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो 11/2 मीन्स क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट 5.5।
ठीक है, समझ में आया। उसके बाद भी जैसे यहाँ पे हमने 2.5 लिखा था, अभी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर 2.5 कैसे लिखा। तो देखिए आपका फर्स्ट नंबर का तो आ गया था, टू नंबर का और थ्री नंबर का नहीं आया। तो देखो 2 + 3 / 2 तो 5/2, तो आपका क्या हो जाएगा 2.5। इससे हमें राइट करना होता है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। ओके गुड, चलिए 5.5 यहां पर भी हो गया और लास्ट में भी आपका 5.5 हो गया क्योंकि दोनों सेम है। और लास्ट आपका डिजिट आपका रह गया स्टूडेंट्स, डिजिट कौन सी 148, तो उसका हमें कौन सा नंबर दे देंगे 7, क्योंकि 6 तक कवर हो चुका है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आर एक्स माइनस आर वाई, तो 6 में से 5.5 जाएगा तो 0.5, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2.5 गया -0.5, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2.5 गया -0.5। फिर स्टूडेंट्स सॉरी, 3 में से 2.5 जाएगा तो प्लस का आएगा, माइनस का नहीं होगा आपका। 1 में से 1 गया 0 एंड 4 में से 5.5 जाएगा तो माइनस का 1.5 आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकाल देंगे फटाफट, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, 0 का 0, -0.5 का हो जाएगा 0.25, 1 का स्क्वायर 1, 0.5 का अगर 0.25 या 1, और 1.5 का माइनस का तो उसका हो जाएगा 2.25। अब हम इसका टोटल कर लेंगे स्टूडेंट, तो सिग्मा डी स्क्वायर का आपका टोटल आ जाएगा 4। अब हमें यहां ये बताना है कि यहां पे कौन कौन सी डिजिट जो रिपीट हुई है वो हमें यहाँ पे देखना है। चलिए तो देखेंगे सबसे पहले कौन कौन सी डिजिट आपकी जो है वो यहाँ पे रिपीट हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिपीटेड वेरिएबल, तो कौन सा वेरिएबल रिपीट हुआ था, तो यहाँ पे आप देखेंगे 162 आपका रिपीट हुआ था। ठीक है, एंड नंबर ऑफ रिपीटेशन एंड कितनी बार हुआ था, तो स्टूडेंट्स 2 टाइम्स हुआ था। एंड उसके बाद हमारा 154 भी जो है वो भी कितने टाइम्स हुआ स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स हुआ। यहाँ पे हम राइट करेंगे टोटल। ठीक है, अब फॉर्मूले के बेस पे इसे हमें रख देना है। तो देखिए m की जो वैल्यू आपकी 2 आई है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है m मीन्स 2 की पावर 3 -2/12। तो देखिए 2 का क्यूब 8 - 2 6, 6 / 2 तो आप 6 / 12 तो आपका आ जाएगा 0.5। समझ में आया कैसे किया स्टूडेंट्स, यहां पर भी सेम वही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 2 का क्यूब 2/12, तो देखिए 2 का क्यूब 8 - 2/12, तो 6 / 12 तो आपका आ गया 0.5। तो दोनों का टोटल करोगे तो आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन सॉरी करेक्शन फैक्टर जो हो जाएगा CF सिग्मा एम क्यूब -m/12। ठीक है, यहाँ पे 12 है तो दोनों आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है स्टूडेंट्स रैंक कोरिलेशंस का। चलिए नाउ R इज इक्वल टू 1 - 6 σ d² + CF / n (n²-1)। चलिए तो 1 6 यहां राइट कर दिया, सिग्मा डी स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है कितना है 4, तो यहाँ पे मैंने 4 राइट कर दिया। एंड सी एफ आपका टोटल दिया था 1, तो यहाँ पे हम 1 राइट कर देंगे। उसके बाद एन की जो वैल्यू थी आपकी 7 दी गई है, 7 का स्क्वायर - 1। ठीक है, 1 6 का 6 4+1 तो कितना हो गया आपका 5। यहाँ पे देखिए 7 का 7 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 1 गया तो 48। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 1 6 5 30 एंड 7 को 48 से हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, तो आएगा 336। 1 - 30/336, ठीक है, वी हैव यूजिंग कैलसी, तो आपका आएगा 0.09। तो 1 में से 0.09 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा 0.91। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है और दोनों टाइप के सम हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से इसे सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।